और गुजरात के वडोदरा से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से ट्रेन जिहाद की खबरें देखने को मिली हैं। वडोदरा डिवीजन के किम स्टेशन और कोसंबा के बीच एक ट्रेन को सुबह 5:27 पर रोका गया। डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट ने रेड हैंड सिग्नल दिखाकर ट्रेन को रुकवाया और वॉकी टॉकी से लोको पायलट को यह सूचना दी कि रेलवे ट्रैक पर फिश प्लेट और कुछ जरूरी बोल्ट को खोलकर ट्रैक पर रखा गया है। ये घटना गंभीर सुरक्षा उल्लंघन मानी जा रही है और जो ट्रेन दुर्घटना का कारण बन सकती थी, रेलवे प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रण में लिया और ट्रैक को फिर से सुरक्षित बुलाया है। पुलिस को यहां पर देखिए इसकी जानकारी भी दे दी गई है, सुरक्षित बना दिया गया है इस पूरे ट्रैक को और इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश भी की जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। वडोदरा में ट्रेन जिहाद क्यों कह रहे हैं जानिए आप, क्योंकि यहां रेलवे ट्रैक के फिश प्लेट को खोला गया और ट्रैक पर ही रख दिया गया था, जिससे बड़ी रेल दुर्घटना हो सकती थी। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फिश प्लेट खोली गई थी और इसकी जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई है। आखिरकार ये किसने साजिश रची थी, बड़ा सवाल है। इसके पीछे क्या मकसद था और पिछले कुछ दिनों में रेल पटरी पर इस तरह के हादसों की मानो बाढ़ सी आई हुई है। अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तो बाकायदा सिलेंडर, पेट्रोल और विस्फोटक रखा गया था, बारूद रखा गया था और कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर रेल पटरियों के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जी मीडिया संवाददाता संदीप वसावा की एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। राज्य में फिर एक बार ट्रेन को पटरी से उतारने का निष्फल प्रयास किया गया। हाल में जो आपको दृश्य दिखा रहा हूँ वो ट्रैक का ये वीडियो है, जहाँ पे ये किम रिवर है उसके ऊपर, यहाँ पे जो ब्रिज के ऊपर जो दो ट्रैक है जो उसको ज्वाइंट रखने के लिए सपोर्ट के लिए ये जो जोगल फिशर प्लेट है वो लगाया जाता है और इसी को निकाल के कुछ असामाजिक तत्वों ने इसको ट्रैक के ऊपर रख दिया था और ट्रेन को पटरी से उतारने की एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने के प्रयास किया गया था। हाल इस घटना के संदर्भ में जो रेलवे के कर्मचारी हो उसके द्वारा और ट्रेन के पायलट द्वारा इसकी जानकारी किम रेलवे स्टेशन को दी गई थी और उसके बाद जो किम रेलवे स्टेशन के ऑफिसर ने ऊपरी कर्मचारियों का संपर्क किया, उसके बाद से सूरत रूरल पुलिस, किम पुलिस और कुसुम्बा रेलवे पुलिस यहां पे स्थल पे पहुंच चुकी है। खास रेलवे आरपीएफ भी यहां पे मौजूद है और तमाम जो अकस्मात की घटना के प्रयास के कारण उन्होंने तफ्तीश जारी की है। हाल जो भी घटना बनी है उसके संदर्भ में सूरत रूरल के पुलिस कर्मचारी, रेलवे के पुलिस, रेलवे पुलिस सभी यहाँ घटनास्थल पर मौजूद है और जो घटना को प्रयास देने का प्रयास किया गया है उसी के संदर्भ में तफ्तीश जारी शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला सामने आया है गुजरात में, जहां रेलवे ट्रैक पर बड़ी साजिश। वडोदरा में क्या ये ट्रेन जिहाद की कोशिश थी, बड़ा सवाल है, क्योंकि रेल की पटरी पर देखिए किस तरह से फिश प्लेट को उखाड़ करके रखा गया था। अमरीश पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमरीश, इस पूरे मामले को लेकर के जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, रेलवे ने लगातार, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो रही थी, रेलवे ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो कि इस मामले की जांच कर रही है और इस तरह के तमाम मामलों को एक साथ रख के जांच किया जा रहा है कि क्या किसी एक विशेष गुट की साजिश हो सकती है या फिर अलग अलग लोगों ने एक राय बनाई होगी और अलग अलग जोन में जाकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह ये देखा गया कि फिश प्लेट खोल कर सिर्फ रखी गई थी, तो हो सकता है कि एक बड़ा हादसा करने की कोशिश की गई होगी। रेलवे के सूत्रों से जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार जो हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस मामले को जांच के लिए भी हमने एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। कमेटी से कहा गया कि अमरीश, क्या अभी किसी संस्था पर या किसी इलाके पर कोई शक जताया जा रहा है कि कुछ कौन लोग हो सकते हैं? अभी तक इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं कहा जाता कि कुछ कोई संस्था होगी बड़ी इसके पीछे, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि एक गुट हो सकता है, क्योंकि इस पूरी लाइन पर देखा जाए तो छिटपुट कुछ फिश प्लेट खोलने की लाइन पर कुछ रॉड्स रखने की, इसके अलावा कुछ जो गार्टर्स होते हैं उसके नीचे से मिट्टी हटाने की कई सारी घटनाएं हुई थी, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है। गुट पर अभी तक रेलवे ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक साजिश जरूर कही जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरीश पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। तो गुजरात के वडोदरा में ट्रेन पटरी पर जिस तरह से फिश प्लेट खोल करके वहां पर रखी गई थी, ऐसे में बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा, रेलवे इस मामले की जांच कर रही है।
तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वडोदरा में जिस तरह से फिश प्लेट उखाड़ी गई, और वहीं दूसरी तस्वीर देखिए मुरादाबाद में लोहे का एक खंभा जो था वो रेल पटरी के बीचों बीच ऐसे रखा हुआ था। तो ये दो तस्वीरें वडोदरा और मुरादाबाद की हैं। इसके अलावा भी ना जाने कितनी घटनाएं अभी हाल के दिनों में सामने आई हैं, जिसमें कानपुर में जिस तरह से सिलेंडर वाली घटना थी वो सबसे भयानक थी। Z News.